नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। अब खबरें विस्तार से। राजघाट थाने की पुलिस ने नकली सोना बेचने वाले एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान अमर जौहरी पुत्र मुकुंद चंद वर्मा निवासी दोहरीघाट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के रूप में हुई है, जिसके पास से 12.5 किलो नकली सोना को बरामद किया गया है। जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि वादी द्वारा थाने पर तहरीर दी गई कि अमर जौहरी फर्जी हॉलमार्क और हॉलमार्क यूनिक इंडिकेशन की मुहर लगाकर सोने की फर्जी आभूषण तैयार कर रहा है, जिससे सर्राफा व्यापारियों की छवि धूमिल हो रही है, जिसको देखते हुए व्यापारियों के सहयोग से अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्प दंत जैन, सर्राफा मंडल के पूर्व अध्यक्ष पंकज गोयल ने कहा। पंकज गोयल, संरक्षक सर्राफा मंडल गोरखपुर। देखिए, बहुत दिन से ये शिकायत मिल रही थी कि अंबे गहना बाजार में कम परसेंटेज का माल बिक रहा है, जो कि काफ़ी निंदनीय थी। हम लोग भी अपने स्तर से बार बार ये खोज रहे थे कि कौन बेच रहा है, कौन इस तरह का कृत्य कर रहा है। जबकि 1 अप्रैल से अभी सरकार द्वारा भी HOID माल बिकने की बात हो गई है और किसी भी प्रकार के कम टेंच के माल को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, ऐसा मैसेज हम लोग को भी दिया गया है। इसी क्रम में आज जब हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हैं कि एक दुकानदार हैं अमर जौहरी, उनके दुकान पे गलत माल बिक रहा है, तो आज सर्राफा डेलीगेशन पूरा पहुँचा है और उनसे माल दिखाने की बात कही है। जब उनका माल देखा गया है तो वो माल सब फर्जी निकला है, 10% सोने का माल निकला है और उस पर फर्जी तरीके से HOID भी किया गया है और फर्जी हॉल मार्किंग भी की गई है। जब उनसे पूछा गया है तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए हैं। इसी क्रम में सर्राफा मंडल द्वारा पुलिस को बुलाई गई है और उसको सारे माल को तौल करा के थाने को सपुर्द की गई है। माल लगभग मुझको लगता है कच्चा और तैयार माल मिला के 20 किलो के आसपास माल होना चाहिए। देखिए, बड़ी निंदनीय बात है। मुख्यमंत्री की बात तो अपनी जगह है, हमारे पूरे सर्राफा मंडल को ये बहुत धूमिल करता है। एक तरफ अच्छे दुकानदार अच्छी ज्वेलरी बेचना चाहते हैं और दूसरी तरफ कुछ चंद ऐसे दुकानदार हैं जो गंदे माल बेच के पूरे समाज को गंदा कर रहे हैं और सर्राफा परिवार इसकी पूरी भर्त्सना करता है और जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सके होनी चाहिए। सर्राफा मंडल सरकार के साथ खड़ा है। सर्राफा मंडल हमारा, परसों हम लोग एक बड़ी बैठक किए जिसमें 50 लोग थे और उस सर्राफा बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि गोरखपुर के अंदर जो भी माल व्यापारी बेचते हैं वह अपना जो स्टैंडर्ड मानक है सरकार का, उस मानक के अनुरूप माल बेचें। कोई भी आदमी अगर गलत करता है तो हम उसका नाम चिन्हित करेंगे और अपने एसोसिएशन की तरफ चिन्हित करने के बाद उसको हम अपने एसोसिएशन की तरफ से समझाएंगे, बात करेंगे और वो कार्य बंद करेंगे। यह जो है अमर जौहरी ने जो माल मार्केट में बेच चुका है, हाँ, उसके लिए आप लोग क्या करें? जो अमर जौहरी, आपको बताएं, अमर जौहरी मेरे यहाँ रजिस्टर्ड व्यापारी अपने नहीं है। अपने एसोसिएशन भी वो सदस्य वो रजिस्टर्ड भी नहीं है और उन्होंने जो माल 5-6 महीने पहले दुकान खोला और वो ज़्यादातर देहातों में के ग्राहक हैं, उनके पास देहातों से आते हैं, माल ले जाते हैं और हम लोगों को रिपोर्ट ज़रूर लगी थी 2-3 महीने पहले। हम लोगों ने ये निर्णय भी लिया था कि उनके खिलाफ़ हम लोग एक्शन लिया जाएगा। कायदे से जो माल अगर 10 टन का है तो उस पर बंधेल का मोहर लगना चाहिए, क्योंकि मेरठ साइड में बहुत पहले से वहाँ बंधेल, हापुड़ बंधे, वही मेरठ, वहाँ पहले बंधेल का माल चलता था जिसे चूड़ी हुई कड़े हुए, तो वो उसमें 1 ग्राम अगर चढ़ा सोना तो उस पर लिखा रहता था बंधेल है, उस पर गोल्ड का लेयर रहता था, वो ठीक है, तो वो लिख के पर्चा दिए थे। लेकिन ये तो प्रशासन, हम लोग प्रशासन से कल मेरी बात हुई थी, SPCT गोरखपुर थे नहीं, मैंने उनको फ़ोन किया था, राजस्थान गए थे, लेकिन उन्होंने
यहाँ का जो एसओ है वो राजघाट को भी फोन किया था उन्होंने, और फोन करने के बाद मैंने कहा कि इसका कड़ाई से जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो, और हम सब पूरा सर्राफा मंडल मेरा इसका विरोध करता है कि कोई भी बाजार के अंदर इस तरह गंदगी फैलावे। ग्राहक को इसका तो पता चला, कारीगरों का नाम पता चला, किसके नाम बनवाते थे जेवर में? नहीं, वो देखिए वो तो अब पता चलेगा, अभी उसकी कार्रवाई रात को हुई है, करेंगे उसको पूरी। देखिए उस माल को अभी जो उनका मशीन है 2 करोड़ की मशीन है वो भी नहीं पकड़ा गया है, तो ये सब कार्रवाई हम लोग उस पर करवाएंगे, अब प्रशासन से, डीएम से, एसएसपी से, और आज महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी से भी मैं बात करूंगा, और बात करने के बाद गोरखपुर में जो एक मानक हमारे यहाँ है कि ग्राहकों को अच्छा शुद्ध सोना मिले, शुद्ध चांदी मिले, वो हम लोग अपने एसोसिएशन के तरफ से पूरी कोशिश करके और इस कार्य को कराएंगे। निश्चित रूप से ग्राहक को पैसा देता है, विश्वास करके आता है, तो विश्वास पर उसको खड़ा होना चाहिए, और हम सबका कर्तव्य है कि हम शुद्ध माल बेचें, तभी ग्राहक के अंदर विश्वास होता है।